बड़ी सुंदर देवी का रूप बनाया तो सबने रास्ता दे दिया। क्यों? सुंदर बन के गई, बहुत अच्छा मेकअप, बहुत महंगे कपड़े, बहुत अच्छी ज्वेलरी। ब्रजवासियों ने सोचा सहेली होगी कोई, यशोदा जी की बड़ी वाली अच्छी वाली सहेली होगी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आदमी है, रास्ता दे दो। सब ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों ने रास्ता दे दिया। तो पहुंच गई रुक्मा मौसी भी घर तक और जाकर के यशोदा जी से बोली, मुझे पहचानी यशोदा? नहीं बहना, मैंने तो पहचानो नहीं। अरे यशोदा, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ, हम और तुम साथ में एक गांव में ही जन्मे हैं और हम लोग साथ साथ खेले हैं, साथ साथ पढ़े हैं। अब तुम अपनी दुनिया में यशोदा और मैं अपनी दुनिया में, पर मुझको जो पता हो चले हो तेरे घर में लाला हुआ है भरता रास्ता में, तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा तुमको बधाई देने आऊं, रोक नहीं पाई, बिना बुलाए मैं तुम्हारे पास चली आई। ये सोचा मैया बड़ी खुश हुई, अरे सहेली मेरी बहना बहुत अच्छा चीज, मेरे लाला को आशीर्वाद देने के ताई आई हो, बैठो खाओ। और कहते मैया ने बैठा जाते कि वहां बहुत लोग आ जा रहे हैं ना, हजारों लाखों लोग आते हैं जाते हैं, बड़ी भीड़ है। तो मैया ने कहा बैठना बहना, आप मैं आती हूँ, कोई और मेहमान आ गए। और जैसे ही पूतना बैठे और मैया यशोदा वहां से गई, तो पूतना ने क्या किया, धीरे 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 परमात्मा की ओर जाने लगे, भगवान की ओर। और भगवान पल्ले में भी लेटे हुए, अभी प्रभु की आंखें खुली हुई है। और जैसे ही मौसी जी पहुंची भगवान के पास, भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, सोई परमात्मा ने आंखें बंद कर ली, भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने पूछा गुरुवर क्यों, क्या भगवान डर गए, भगवान ने आंखें बंद क्यों की? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा और वृंदावन के और अनेकों संतों ने अलग 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 भाव पाए हैं, भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर दी है प्रभु ने, बताओ तो सही। अभी मेरा जन्म हुआ है, अभी मक्खन मिश्री खाया रही है, अभी शुरुआत हुई नहीं है, मौसी की जहर पिलाने आ गई है। तो भगवान ने कन्हैया ने भोले बाबा का ध्यान किया, भोले नाथ मौसी की जहर देने आ गई है, दूध में पी जाऊंगा और जहर आप पी लेना। कुछ संत ऐसा भाव कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान के दाहिने आंख में रहते हैं सूर्य और बाईं आंख में रहते हैं चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को बिल्कुल भी अभिशाप नहीं लगा कि हमारे भगवान को दुग्ध पान कराने के साथ जहर पिलाने आ गए राक्षसी। कुछ संत ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान ने सोचा मेरे दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक बार राम बनकर आया, जब राम बनकर भगवान आए तो पहले किसको मारे, ताड़िका को, राक्षसी को। और बोले इस बार कन्हैया बनकर आया हूँ, कृष्ण बनकर आया हूँ, तो फिर इस राक्षसी को पहली बार मुझे मारना पड़ेगा। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। कुछ संत ऐसा बोलते हैं भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भले ही राक्षसी है पर काम तो ये वही करेगी जो एक माँ करती है, मुझे दूध ही पिलाएगी। तो भगवान ने बैकुंठ में जगह देखी, यदि बैकुंठ में कुछ जगह बची होगी तब इसका उद्धार करके वहीं भेजेंगे, क्योंकि भले ही मुझे मारने आई है, जहर फैलाने आई है, लेकिन मैं तो इसको क्या करूंगा, मुक्ति दूंगा, इसको मोक्ष दे दूंगा, इसको बैकुंठ भेज दूंगा। कुछ संत ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि बताओ पूरी दुनिया मेरा दर्शन करने आती है, मुझे प्रेम करती है, मुझे प्रसाद चढ़ाती है, मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं और मौसी जी हमको जहर पिलाने आ गई है। तो भगवान ने आंखें बंद करके सोचा मौसी जी को बैकुंठ भेजे। और भगवान ने आंखें बंद इसलिए भी की कि मेरे चक्कर में, मेरे लिए मुझे ढूंढने के चक्कर में हजारों बच्चों को मार दिए, तो उन बच्चों को भगवान ने आग बंद करके वैकुंठ भेज दिया, उनको भगवान ने मुक्त कर दिया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा अब तो पूतना मौसी जाकर पालने के पास पहुंच गई और कन्हैया को, क्योंकि भगवान अभी सिर्फ 6 दिन के हैं, भगवान को उठा ली गोद में। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती वैसे ही कन्हैया को पूतना जी, पूतना मौसी स्तनपान दुग्धपान कराने लगी।
सोचिए जहां एक घूट पिएगा मर जाएगा, मुझे जाऊंगा मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे कोई मार नहीं पाएगा, मुझसे कोई जीत भी नहीं पाएगा, राक्षसी भगवान ने पान करना आरंभ कर दिया। एक मिनट हो गया, दो मिनट हो गया, तीन मिनट हो गया, पूतना सोची कैसा बालक है, मर नहीं रहा है। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गए, क्या कहती है, भगवान ने पहले दूध पिया, दुग्ध पान की भगवान ने, इसके बाद प्रभु ने क्या किया, प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। सांचमुचारमिति प्रभासिनी, भगवान ने प्राणों का आकर्षण किया, प्राणों को भगवान ने जैसे खींचना किया, ऑक्सीजन कम हुआ तो स्त्री रूप में आ गई, विकराल रूप में आ गई, उड़ गई, चिल्लाती है तो कहते कन्हैया बोल गए छिनके कि मौसी जी मुझे तो पकड़ना ही आता, मुझे छोड़ना नहीं आता। भगवान कहते हैं जिस जीव को, जिस प्राणी को एक बार मैं अपना मान लेता हूँ, एक बार रिश्ता बना लेता हूँ, एक बार पकड़ लेता हूँ, उसे जीवन पर्यंत कभी छोड़ता नहीं, उसे फिर छोड़ने वाला नहीं। और जब दिन आकाश में उड़ गई, खूब चिल्लाई, अपने रूप में आ गई, और जा करके एक बगीचे के पास जा करके गिर गई, उसका प्राण हो गया। जब पूतना गिरी ना तो बहुत लंबे चौड़े स्थान में, 18 किलोमीटर लंबे चौड़े स्थान में बाग बगीचे सब कुछ चूर्ण हो गया। गिर गई, फिर भी भगवान अभी ऊपर खेलने, सारी ग्वाली ब्रजवासिनी यशोदा मैया सब लोग दौड़ पड़े और जाकर के कन्हैया को वहां से लेकर आए। और नंद बाबा क्योंकि यहाँ है नहीं, नंद बाबा इस समय कहाँ चले गए हैं, कंस के यहाँ वार्षिक कर देंगे, मथुरा गए कंस, कंस के पास, तो नंद बाबा भी मथुरा में। ये घटना हो गई, माताओं ने कन्हैया को पकड़ कर लाई, गौशाला में ले गई, गौ माता का गोबर गोमूत्र से भगवान को स्नान कराई और क्या की, पूंछ से झाड़ा दी। इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणायणो हरि स्वेदत्येवनिश्चितम्। भगवान को गौ माता के पूंछ से झाड़ा देती है, क्योंकि गाय हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, गावो विश्वस्य माता। गाय के बिना हिंदू सनातन धर्म की कल्पना करना भी बेकार है, गाय नहीं तो गोविंद नहीं। यदि भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, भागवत सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो कम से कम इतना नियम हो कि गौ सेवा करें, गाय पाले, गौ सेवा करें, या जहां गौशाला है वहां सेवा करें, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में कुछ बढ़िया होगा। गावो विश्वस्य माता, गाय के बिना हमारा जीवन बढ़िया नहीं है, जीवन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर जगह क्या लिखा है, गोदानम 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 तथैव च, गाय का दान और गाय की सेवा, गाय की पूजा। और यदि हम ये नहीं कर पा रहे तो मानिए हम बहुत पीछे हैं, हमारे जीवन में गाय बहुत जरूरी है। अब गाय गौशाला में हो, आपके घर में हो, आपके मोहल्ले में हो, गोग्रास कम से कम निकलना चाहिए, गोग्रास जरूरी है। एक घर से एक रोटी गाय को निकल जाए ना, समझिए आपके पूरे अनिष्ट, पूरे रोग, पूरी बाधाएं, पूरी ग्रह दशाएं सब कुछ निकल जाएगी। जय श्री राम, नहीं आवाज नहीं आती, जब मैं बोलूंगा जय जय श्री राधे तो आप राधे राधे को बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम से कहीं
समुद्र में पुल बना जा रहा था, सब लोग राम राम करके सिरा रखते जा रहे थे और सारे पत्थर डूब नहीं रहे थे बल्कि तैर रहे थे। तो राम जी सोचे हम भी तो ट्राई करें एक बार, हमारे नाम में इतनी ताकत हम भी तो देखें। तो कहते राम जी कहीं दूर चले गए और दूर जाकर के राम जी ने पत्थर उठाया और राम राम लिखे और राम राम लिख करके जैसे ही राम जी ने इस पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो डूब गया, डूब गया। और राम जी यहाँ वहां देखे कोई देखा तो नहीं, तो हनुमान जी ने पकड़ लिया प्रभु। तो भगवान हनुमान जी कहते मैं तो बताऊंगा सबको, राम जी कहते ना 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 किसी से कहना मत कि हमने पत्थर डाला और डूब गया, पर तुम लोग जो पत्थर लिख रहे हो डूब गए तैरता है, मेरे यहां से क्यों डूब गया। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु जिसको आप छोड़ दोगे, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, जिसको भगवान छोड़ देंगे उसको डूब नहीं है। तो राम नाम कहां कहां नाम, और भगवान ने तृतना का उद्धार कर दिया। बहुत से चिता बनाए गए कि बहुत लंबा शरीर था, 18 किलोमीटर की लंबी थी पूतना, चिता जलाए गए और चिता में से एक क्या निकली, एक देवी निकली, विमान आया और सीधे वैकुंठ पहुंच गए। क्योंकि भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे, भगवान जिसको मारते हैं उसकी भी मुक्ति होती है, भगवान जिसको बचाते हैं उसकी भी मुक्ति होती है, और भगवान जिसको अपना मानते हैं उसकी भी मुक्ति होती है, अथवा तो जो भगवान का नाम लेता है उसकी भी मुक्ति होती है। जय सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा पूतना का नाम भी अच्छा नहीं है, पूतना का काम भी अच्छा नहीं है, पूतना की जाति भी अच्छी नहीं है, किंतु भगवान ने फिर भी उसे मोक्ष दे दिया, वैकुंठ दे दिया। क्यों? पूतना वाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगासय प्यारे तनंदत्वमय। भगवान ने इसलिए कृपा कर दिया कि भगवान कहते हैं जो मेरी दृष्टि के सामने, जो मेरे आंखों के सामने आ जाएगा उसकी मुक्ति की गारंटी मैं लेता हूँ, किंतु कोई मेरे पीछे रहे मेरे साइड आ रहे उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है, बल्कि मेरी आंखों के सामने जो आ जाएगा उसको मैं मुक्त कर दूंगा। पूतना नाम क्या है? पूतना, पूतना का अर्थ होता है जिसके पुत्र हो ही नहीं। पूतना का नाम भी अच्छा नहीं है, पूतना की जाति भी अच्छी नहीं देखते कुल से है, और पूतना का काम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि राक्षसी रुधिरासना, रुधिर बने होता है खून, छोटे छोटे बच्चों का खून पीती है। इसके बाद भी भगवान ने कृपा कर दिया, क्योंकि भगवान हमारे दोष कभी नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? मेरा भक्त मेरा नाम कितना लेता है, मेरा भक्त मेरी पूजा कितना करता है। यदि भगवान हमारे आपके दोषों को देखना शुरू करते हैं तो एक जन्म नहीं हजारों हजारों जन्मों में हमको नरक में सड़ना पड़ेगा, नरक मिलेगा। पर वो भगवान कैसे है? दयालु है, कृपालु है, दीनानाथ है, करुणा निधान है। वो तो केवल क्या कहते हैं, मेरे सामने आ जाओ, मेरा नाम ले लो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। वो स्वामी जी कहते हैं तू दयालु दीन है, हे परमात्मा तू दयालु है, तू दीनानाथ है, तू परमात्मा है हमारा, तू भगवान है। और कहते हैं पूतना की चिता बनाई गई, जल गई और भगवान ने आज उसको मोक्ष दे दिया। ये पूतना कौन थी? ये थी राजा बलि की बेटी। जिस समय भगवान गए थे कहां राजा बलि के यहाँ तीन पट भूमि मांगने, तो राजा बलि की बेटी के मन में ख्याल आया, संकल्प आया कि मेरा बेटा ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, इतना सुंदर इतना दिव्य बालक मेरा स्वयं का बेटा होता तो धन्य हो जाते। भगवान ने संकल्प सुन लिया और भगवान ने इच्छा पूरी की, किंतु जब भगवान ने तीन पग में सब कुछ ले लिया शर कर दी भगवान, तो उसके मन में ख्याल आया मेरा बेटा ऐसा होता अच्छी बात है, पर यदि मेरा बेटा होता तो इसे जहर पिलाकर मार देती। तो भगवान ने कहा तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। संकल्प सिद्धि यस्य यस्य मात्रम् हि ब्रह्मरूपिणः
भगवान कहते हैं जो भी आप मन से सोचोगे, भक्ति पूर्वक जो भी आप सोचोगे वो मैं पूरा कर दूंगा। और भगवान ने पूतना की दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। और आखिरी में वैकुंठ में वास दे दिया। बड़े बड़े योगी महात्मा सिद्ध लोग जहाँ नहीं जा पाते वहां भगवान ने पूतना को भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि भगवान कृपालु हैं। सनमुख हो ही जीव मोहि जब ही जजब को सामने जो आएगा भगवान की कथा में जो आएगा वृंदावन जो जाएगा परमात्मा का नाम जो लेगा भगवान की गुण जो गाएगा उसकी प्रीति होगी ही। कलयुग में लिखा है ना कलयुग केवल हरि गुण गावा गावा ही नर पुत्र ही तारा। कलयुग में जो हरि का गुण गा लेगा परमात्मा का नाम ले लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे। जोर से बोली कन्हैया आज पे जय श्री राधे। तो भगवान ने आज उद्धार कर दिया। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने पूछा भैया क्या हुआ? बोले महाराज एक राक्षसी आई थी, हमने उसका सब कर दिया, उसका कल्याण हो गया। और नंद बाबा मैया यशोदा कन्हैया बलराम जी सब रहने लगे। और कहते हैं एक और राक्षस आया क्योंकि भगवान का काम ही है कल्याण करना। सबसे ज्यादा कल्याण करने वाले कौन है? सबसे ज्यादा संसार का ब्रह्मांड का विश्व का कल्याण करने वाले कौन है? परमात्मा। हम तो अपना ही कल्याण नहीं कर पाते, अपनों का नहीं कर पाते कुछ भी, पर भगवान तो कोई भी हो, पापी हो, दुष्ट हो, कुटिल हो, खल हो, कामी हो, अधर्मी हो, अन्यायी हो, एक बार हाथ जोड़कर बोलते हे परमात्मा, हे गोपाल जी, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, उससे जितने पाप हुए सब मुझे माफ करना, बस मुझे अपना बना लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो भगवान कहते हैं तू आ जा, एक संकल्प कर ले, आज के बाद पाप करना एकदम बंद बंद। लोभात क्रोधा भगवती लोभात कामा प्रजायते लोभान मोहश्च रसश्च लोभः पापस्य कारणम्। पाप कहां से कारण होता है? लोभः पापस्य कारणम्। लोभ से हमारे जीवन में पाप आता है। पाप जो है ना लोभ से आता है। लोभ नहीं होगा पाप कोई भी नहीं करेगा। पाप जो करता है व्यक्ति लोभ में आकर लालच में आकर, लोभ पापस्य कारणम्। पाप का जो मूल है जड़ है वो क्या है? लोभ है। यदि व्यक्ति निर्लोभी हो जाए उसकी इच्छाएं कुछ नहीं होगी, एक भी पाप नहीं करेगी। इच्छाएं होंगी, वासनाएं होंगी, संकल्प होंगे, लाभ की इच्छा होगी तो व्यक्ति पाप किए बिना रह भी नहीं सकता। भगवान कहते हैं कुछ भी हो जाए पाप कर भी लेना कोई बात नहीं, पर ऐसा पाप करना जिससे तुम्हें नरक में जाना पड़े। मेरा नाम लेते रहोगे, मेरे नाम के सहारे रहोगे, मेरे ध्यान के सहारे रहोगे, मेरे धाम के सहारे रहोगे, मेरे संतों के सहारे रहोगे, मेरे ब्राह्मणों के सहारे रहोगे, मेरे सहारे रहोगे तो तुम्हारी क्या होगी? मुक्ति हो जाएगी और पाप करने से बचे रहोगे। ध्यान दीजिएगा, जो जो कि सत्संग करते हैं, भागवत सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु के मंदिर में रोज जाते हैं, घर में रोज सेवा करते हैं, उनसे पाप हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान हर क्षण उनके साथ रहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरि। श्री ठाकुर जी थोड़े बड़े बड़े चार पांच महीने के हुए। भगवान शंकर ने सोचा कैलाश में बैठे बैठे कि चलो तो जाकर देखो तो भगवान को, मेरे स्वयं परमात्मा आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे आराध्य देव आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, मैं जाकर के उनके दर्शन तो करूं। तो भगवान शंकर ने कैलाश में बैठे बैठे मन में रख देंगे कि जाए तो भगवान का दर्शन तो करें, ऐसे बंद रखे तो सब ठीक है, सब प्रसाद है। वो शंकर भगवान ने भोलेनाथ ने क्या किया? साधु का वेश बनाया, ज्योति का रूप बनाया और सीधे कैलाश से चले आए कहां? नंद महल के सामने।
और नंद महल के सामने आकर के क्या करते हैं, डमरू बजाए और क्या बोले, हरे हरे महादेव, बम बम भोले भोले, अरे मैया यशोदा मैया लक्ष्मी महारानी हमको भिक्षा नहीं देगी। तो मैया ने तुरंत अपने द्वार खोल दिए। मैया के बहुत द्वार है, एक हो तो जाने, कई द्वार है, तो आई और बाहर आके बोले महाराज क्या लेके आऊं, सोना लोगे, चांदी लोगे, हीरा लोगे, जवाहरात लोगे, क्या चाहिए महाराजा, जो आप कहेंगे ना बाबा वो हम दे देंगे। शंकर जी मुस्कुराए, बोले भैया मुझे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा, ना मोती, ना पैसे, ना अनाज, मुझे बस अपने लाला के एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा ना ना ना, जो लोगी वो दे देंगे। अरे भिक्षा मांगने आए हो कि बेटा मांगने आए हो, भिक्षुक बनकर आए हो, साधु हो, महात्मा हो, पंडित जी हो, लेके जाओ ना अनाज, ले जाओ सोना, ले जाओ चांदी, ले जाओ, आप तो मेरा बेटा, मेरा कन्हैया, मेरे लाला मांग रहे हो। बोले नहीं भैया, हम आपके लाला के दर्शन करेंगे बस एक बार। क्यों, मेरा लाला क्या भगवान है, क्या परमात्मा है? बोले नहीं, बस मुझे एक बार दर्शन करा दो। बहुत प्रार्थना किए, बहुत बार बार बोले पर मैया मानने वाली नहीं। बाबा देव मैं दर्शन आपको करा भी देती, लेकिन आपके जो सांप है, बिच्छू है, काकर है, इनसे मेरो लाला डर जाएगो। भोलेनाथ बोले भैया तू ना जाने, तेरो जो लाला है ना वो 1000 धर्म वाले नाग के ऊपर सोवे। मैया बोली बाबा ये गलत जगह जा गए यार, ये मेरो लाला है, ये तो चित्र में भी फोटो में भी सांप को देखे ना तो डर जाए और आकर मेरे साथ सो जाए। अब शंकर भगवान ने पूरी ताकत लगा दी, नहीं मानी मैया, क्योंकि मैया जो है कन्हैया से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। तो भोलेनाथ बोले भैया कोई बात नहीं, कभी तो द्वार से बाहर निकालोगी, जब बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाएगा, पढ़ने जाएगा, खेलने जाएगा। मैया बोले बाबा देख मेरे यहाँ बहुत द्वार है, मैं यहाँ से नहीं निकालूंगी। मैया जब विवाह हो रहे हो, प्यारे हुए हो तो निकालेगी। बोले बाबा मैं यहाँ से बिल्कुल निकालने वाली नहीं हूँ, ये द्वार तो एकदम पैक हो गया, बंद हो गया, आज से दर्शन नहीं कराऊंगी मैं। और कहते हैं भोलेनाथ रुष्ट होकर के गांव के बाहर चले गए, एक पट वृक्ष के नीचे झूला लगा दिए, त्रिशूल वहां पर लगा दिए और बैठ गए। और जैसे ही भोलेनाथ गए तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। भोलेनाथ का जाना हुआ और ठाकुर जी का रोना शुरू हुआ। अब ठाकुर जी रोने लगे, कन्हैया रोने लगे, रोते रोते इतना रोए कि सारे वैद्य, सारी माताएं, सारे ग्वालवाल आ गए, सब दवाई कर रहे, चिकित्सा कर रहे, पर कुछ असर नहीं हो रहा है, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। जाना भूखा सब हो गया, भगवान को रोते जा रहे हैं। तब एक ग्वाली ने कहा, एक जलवासी ने कहा, क्यों ये सोदा कोई आया है क्या घर में? मुझे लगता है कन्हैया की ऊपर नजर लग गई है। यशोदा मैया बोली मेरी ही नजर लग जाए तो मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में कोई आया नहीं, याद करो। बोली हाँ 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 मुझे याद आया, एक बाबा जी, एक साधु, एक संत आए थे, बोल रहे थे लाला को दर्शन कराए जाओ, और जब से वो गए कभी से लाला रो रहा। तो कहते एक गोपी गई, एक ब्रजवासी गई और जाकर के पूछी, बाबा महात्मा जी साधु जी चलो हमारे कन्हैया को ठीक कर दो, वो बहुत रो रहे हैं। शंकर जी ने एक शर्त रख दी, मैं तभी चलूंगा जब मुझको, मेरे को यशोदा अपने लाला के दर्शन कराएगी। गोपी पूछ कर गई, यशोदा मैया बोले बिल्कुल कराएंगे, बस हमारे लाला को एक बार चुप करा दे, साथ करा दे। जय 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 फायदा क्या है बोलने में, राधे राधे। मैं बोलूंगा जय जय श्री, आप
आप हो रही है राधे राधे, आपका भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय सबसे बढ़िया दिन हो गया, क्योंकि आपके चरण मेरे माथे पर पड़ गए, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और जैसे ही मैया ने दिया, शंकर जी ने मैया के हाथ में दिया, तो भगवान ने फिर रोना शुरू कर दिया। अब भोलेनाथ के हाथों में जाए तो चुप हो जाए, हंसते मैया के हाथों में जाकर रोने लग जाए। बार बार यही क्रम चला, यही चला। मैया बोले बाबा तैने कुछ ज्यादा तोड़ा कर दियो। नाय मैया, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक बात कहना चाहता हूँ। यदि हमेशा हमेशा के लिए अपने लाला को चुप चलाना चाहती हो, चाहती हो कि आपका लाला कभी ना रो, तो एक काम करो, जहाँ तुम्हारा लाला स्नान करता है, उसके स्नान का जो पानी है, जो जल है, वहीं पर मेरा मंदिर बनाओ। वो पानी मेरे ऊपर आएगा, वो जल आएगा, और तुम्हारा लाला कभी रोएगा नहीं। तो नंदेश्वर महादेव भगवान की, नंदेश्वर महादेव जुग जुग जीवे रिया सोदाईया Oh,
श्री
श्रीमद् भागवत जी में लिखा है हमारे घर की सबसे पवित्र भूमि जो होती है वो गौशाला होती है, और आजकल हमारे घरों से गौशाला गायब हो गए, बचे नहीं है। घर भले 1 करोड़ का हो पर गाय नहीं है, कुत्ते तो आ चुके हर घरों में लगभग, पर हमारे घर में क्या गाय बाहर चली गई, और जब गाय ही चली गई तो गोविंद भी चले गए, तब तो वास्तु दोष हो गई, ग्रह दोष हो गई, पितृ दोष हो गई। प्रयास करिए गाय आपके घर में अभी हो तो भी सुबह और शाम गेट में आ ही जाए। वैसे मरियल में अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ तो आती ही गौ माता, फिर भी कोशिश करिए गाय के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। गौशाला में गए और गर्गाचार्य महाराज को आसन दिया गया, और दोनों माताएं नंदी माता और यशोदा मैया अपने अपने बेटे को अदला बदली कर ली, क्यों परीक्षा करना चाहती है, पंडित जी विद्वान है कि ऐसे ही है। यजमान का धर्म होना चाहिए कि पंडित जी बढ़िया हो, भाई डॉक्टर अच्छा चाहते हैं, टीचर बढ़िया चाहते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़े, गाड़ी अच्छी लेते हैं, मकान अच्छा लेते हैं, और पंडित जी वाले सबसे सस्ते वाले जो दक्षिणा का मांगे भले ही उनको कुछ ना आता होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गर्गाचार्य की क्या करते हैं मैयाओं ने क्या किया, परीक्षा की, अदला बदली कर ली, और जाकर के जैसे ही बैठी तो गर्गाचार्य ने जैसे ही परमात्मा को देखा तो गर्गाचार्य की समाधि रूपीण सर्वरूपेण शाश्वत समाधि इससे रूपेण भगवान को देखते ही समाधि लग गई। क्यों लग गई, अरे जो परब्रह्म है परमात्मा है भगवान है ईश्वर है जिसको ढूंढते हैं हम लोग, वही परमात्मा स्वयं घर में नंद के घर में आकर के लाला बन गया है, तो समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद क्या हुआ गर्गाचार्य की समाधि लगी। समाधि 3 प्रकार की होती है, एक होती है नॉर्मल समाधि सामान्य समाधि जिसमें आप आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, एक समाधि होती है आंखों को बंद कर लीजिए ओठ भी बंद हो जाए सांस चलती रहे वो होती द्वितीय श्रेणी की, और एक समाधि होती है त्राटकम यस्य रूपेण त्राटक समाधि, त्राटक माने आंख खुली रह जाए मुंह भूल जाए श्वास बंद हो जाए ऐसा लगता है मानो व्यक्ति चला गया मृत्यु हो गई, पर वो श्रेष्ठ समाधि होती है। हमारे भारत में आज भी बहुत संत ऐसे हैं हिमालय आदि में जो त्राटक समाधि करते हैं। जय जय श्री राम। गर्गाचार्य की समाधि खुली, मैया बोली महाराज आप कहाँ चले गए थे, तो बोले आपकी गोद में मैया जो बैठा है वो साक्षात परमात्मा ईश्वर भगवान है, बोलना चाहते हैं जैसे ही भगवान ने इशारा कर दिया ना 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 बाबा यदि आपने बोल दिया ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है ईश्वर है भगवान है तो मेरे को मैया प्रेम नहीं करेंगी, मुझे फिर अलमारी में बैठा देंगी और क्या करेंगी भगवान को क्या करते हैं हम लोग ओम जय जगदीश। भगवान से हमारा सच्चा वाला प्रेम हो तब तो ठीक है, लेकिन केवल मूर्ति मानेंगे केवल ये मानेंगे हमारे घर में मूर्ति है ये परमात्मा है तो फिर ठीक नहीं है। भगवान चाहते हैं मुझसे आप रिश्ता बनाओ मेरी पूजा करो तो मुझे ऐसा मानो कि आपके घर में आपके हृदय में आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से मैं हूं। मना कर दिया तो भगवान ने इशारा किया नहीं बाबा मन बताना, तो बाबा बोले मैया जो आपके गोद में बैठा है वो परब्रह्म परमात्मा के समान है उसमें बहुत गुण है। और मैया ने क्या किया दोनों मैया बैठी और बोले मैया आप लोग बड़े चतुर हैं, मैया आप लोग बड़े चतुर हैं, आप लोगों ने अपने अपने बेटों को अदला बदली कर दी। तो मैया चरणों में गिर पड़ी, पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण और भगवान ने नाम करना गर्गाचार्य ने प्रारंभ कर दिया। बोले जो गोरे वाले हैं मोटे वाले हैं बड़े वाले हैं ये कौन है गौर वर्णाय रूपाय रामाय परिवासे, जो गौर वर्ण के हैं वो श्री राम है, उनका नाम क्या होगा राम होगा बलराम होगा बलभद्र होगा दाऊ दयाल होगा, और आसन्न वर्णास्त्रयोरे जो काले काले हैं सामले हैं सलोने हैं सबके मनमन मोह लेते हैं जो सबको खींच रहे हैं उनका नाम होगा कृष्ण कन्हैया।
श्याम गोपाल हजारों नाम है। भगवान का नामकरण हो गया, प्रभु का नामकरण हो गया और कहते हैं गंगाचार्य जी वहां से चले गए। जय जय बुलवाने के लिए यहाँ चाहते हैं। हमारे घर के आप सब हमारे परिवार हैं, उमरिया जो है हमारा परिवार है। हम यहाँ पंडित जी बनकर गुरु जी बनकर व्यथा नहीं करते, हमारा घर है, हमारा परिवार है और परिवार है। अपने घर में कौन सी शरण है, कौन सा संकोच है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन अपने गांव में, अपने पहचान में, अपने जानने वालों के बीच में सफर करने का आनंद क्या होता है, हजार गुना बढ़ जाता है। जय जय श्री राम। आप सब तो हमारे गांव के हैं, मरिया भी हमारे गांव से नहीं आए हैं। आज हमारे दिवाली जी, हमारे गौतम जी भैया शिव महापुराण जो हमारी गांव में हुई थी, बस आप ही लोगों ने संयोजन कर दिया था, बस पूरा गाँव सहयोग था, बस प्रारंभिक स्थिति आप ही लाए थे। ठाकुर जी कैसी कृपा बने रहे। देखिए भक्ति ज्ञान वैराग्य कहीं भी हो सकता है। भक्ति को आप कहीं भी कर लीजिए, दुकान पर बैठे बैठे भी आप राधे राधे जप सकते हैं, गाड़ी चलाते जाते भी राम राम कह सकते हैं। भक्ति के लिए समय पर निकालिए, अलग से जो कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं उसी को भक्ति बना दीजिए तो कल्याण हो जाएगा। तो गंगाचार्य जी चले गए और गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा तो कणकण में है, भगवान तो कणकण में है, पर भगवान को पाने के लिए निर्मल मन बनाना पड़ेगा। जैसे अच्छा पानी पीने में आनंद आता है, साफ पानी हो, स्वच्छ पानी हो, छान के पानी पीते हैं, आलू वाला आजकल लोग पीते हैं, फिर भी ऐसे भगवान के पाने के लिए हमको मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। वो स्वामी जी कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोही पावा, तिरुपति बालाजी जाए, हम शारदा मैया में जाए, भगवान को हमें अच्छे लगे पर हम भी भगवान को प्रिय लगे। कैसे लगेंगे, कब लगेंगे? निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखिए दो काम छोड़ दीजिए, पूजा मत करिए, पाठ मत करिए, मंदिर मत जाइए, कोई बात नहीं, छल मत करिए किसी के साथ भी और कपट मत करिए, दो काम बंद कर दो, आपकी मुक्ति तो बिना पूजा की ही हो जाएगी। और बार बार मंदिर जाएंगे, बार बार पूजा करेंगे, वृंदावन जाएंगे भी और छल करेंगे, कपट करेंगे तो भगवान को अच्छे हम नहीं लगेंगे। और आपको पता है जिसको खुश करना होता है उसकी फेवरेट काम करना पड़ता है उसको, कहीं घर में पति को प्रसन्न करना है तो अच्छी वाली सब्जी, अच्छा वाला भोजन बन जाए, प्रसन्न हो जाएगा। कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, गुरुजी आते हैं, अतिथि आते हैं, क्या बोलते हैं, महाराज बताइए ना कौन सी सब्जी खाते हैं, कौन सी वाली खीर खाएंगे, क्या पसंद है आपको? तो जो जिसका फेवरेट है वही करो, तो उसमें क्या होगा, सामने वाला समर्पित हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट
कपट छल चित्र न धारा, कपट छल चित्र मत करिए। सच मानिएगा, हमें मानव पर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करके दिया है। हमने हजारों वर्षों तपस्या की होगी, भगवान से बहुत प्रार्थना।